से देखो गाइस, ये है फर्स्ट इनकम तानिक की। अभी ये तो आधी है, ऐसे कर। सो गाइस ये तो अभी फर्स्ट थर्ड पार्ट हो गया, पहला थर्ड का थर्ड है। रिएक्शन देख रहे हो, कैसे बंदे मुड़ मुड़ के देखते हैं, सोचते हैं कोई सुपर बाइक जा रही है। तो सोचता हूँ इसके बारे में क्या करूँ यार, तो मैं एक थोड़ा सा पीछे हटाता हूँ इसको, तो आपको एक बार अच्छे से इसकी लुक दिखाता हूँ यार। तो ये देखो यार, कितनी ज़बरदस्त लुक है, और हैवी है यार, बहुत काफ़ी हैवी बाइक है यार ये। और मैं कहता हूँ इस पर अगर रैप वैप कराया जाए ना, ये तो बहुत। निकल चुका हूँ मैं घर से, तो चलते हैं, निकलते हैं, करते हैं मस्ती राइड। सो गाइस, जो पहली बार चैनल पे आता है सब्सक्राइब कर लेना, जो पहले से है तो लाइक शेयर कमेंट प्यारा सा डाल देना। तो चलो निकलते हैं, करते हैं मस्ती राइड आज। तो आज अरे भाई बाइंड हो गई बाइक, क्या चक्कर हो गया, फ्यूल बिल्कुल एम्प्टी पर है। इस बाइक में फ्यूल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, देख सकते हो बिल्कुल ज़ीरो है, एम्प्टी पर है, तो फ्यूल डालना पड़ेगा। इस पेट्रोल पम्प आ चुका है, अभी पेट्रोल डालते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। फाइनली गाइस पेट्रोल डाल दिया है, तो चलो निकलते हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, बाइक को खींच भी सकते हैं। फाइनली गाइस आ चुके हैं कुछ इस तरह सी लोकेशन पे, देख सकते हो रेलवे ब्रिज इसके अंदर आ चुके हैं, तो अभी रेलवे ब्रिज ख़त्म होने वाला है, तो चलो निकलते हैं। तो आज की राइड जो रहेगी फिर से दानिक के साथ रहेगी, और साथ में देखते हैं कौन कौन होगा, जो भी होगा आपको दिखा देंगे, बस व्लॉग में बने रहो, व्लॉग पूरा एंड तक देखना। गाँव में दानिक के घर के पास, तो चलते हैं सीधा दानिक के पास। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं दानिक के पास, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, दानिक को थोड़ा एटीएम में काम है वो करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं कोई मस्त सा व्लॉग बनाते हैं। और एटीएम कितना दूर है यहाँ से, अभी कावासाकी भी जाना है, देखते हैं बाइक का काम स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ है, वो भी आपको दिखा देंगे, बस व्लॉग में बने रहो, व्लॉग को स्किप मत करना, व्लॉग पूरे लास्ट तक देखना। यार आप वीडियो अधूरी छोड़ देते हो बीच में, फिर यार इंप्रेशन डाउन हो जाता है यार, वीडियो पूरी देखा करो यार, एंड तक देखा करो यार, और जितना हो सके उतना जल्दी यार मेरे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो यार। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। सो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं J&K बैंक ATM, चुके हैं ATM, तो अभी यहाँ दानिक पेमेंट निकाल रहा है, तो इसकी जो फर्स्ट यूट्यूब इनकम है वो आ चुकी है, तो वही अभी निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है इंसान यार, जब फर्स्ट पेमेंट आती है ना यूट्यूब से, मेहनत होती है यार हमारी, बहुत मेहनत लगती है, तो जब वो पेमेंट आएगी ना तो यार बहुत ज़्यादा खुशी होती है यार, बहुत ज़्यादा। आई ए श्रा, ये देखो पेमेंट, देखो भाई जी, देखो गाइस ये है फर्स्ट इनकम तानिक की। अभी ये तो आधी है, ऐसे कर। सो गाइस ये तो अभी फर्स्ट थर्ड पार्ट हो गया, पहला थर्ड का थर्ड है। हां नहीं, थोड़ा कौन में रहना चाहिए ना, मट आ चुकी है यार दानिक की, बहुत ज़्यादा खुश है, तो आज दानिक भाई को पार्टी भी कराएंगे, हाथों को थोड़ा साफ सुफ करेंगे हम, फिर देखते हैं। सो गाइस निकलते हैं अभी यहाँ से, हम पेमेंट निकाल दी है, तो चलो अभी यहाँ से जाना है कावासाकी भी, अपनी बाइक देखनी है, बाइक का काम कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो चलो निकलते हैं यहाँ से, बाकी मिलते हैं सीधे आगे रास्ते में। क्या हाल है, पिक की जानी है, हेलो तो कर लो पहले, क्या हाल है, ठीक हो, बढ़िया, बाइक के साथ खिंचानी है कि मेरे साथ लेनी है, चलो ले लो। क्या हाल है, और ठीक हो, ओ बराबर, क्यों नहीं, निकल चुके हैं यहाँ से मैं और दानिक बैठा है पीछे, तो चलते हैं देखते हैं आज दानिक की जो बाइक का है कितना काम हो चुका है, काम स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो वहाँ जाके पता चलेगा। ओहो आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मुझे भी हीटिंग लग रही है यार, बाइक बहुत ज़्यादा हीट कर रही है, इसकी वजह से टांगों में भी बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है, क्या बताऊँ मैं आगे। तो चलो निकलते हैं यहाँ से सीधा फुल पावर। तो अभी दानिक बोल रहा है कि मैं चलाता हूँ तेरी बाइक, मुझे भी थोड़ा सा व्लॉग करना है, तो आगे जाके दानिक को बाइक दे देते हैं, मैं बैठ जाऊँगा पीछे,
पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह से लोकेशन। तो अभी मैंने दानिक से बाइक ले ली है, मैंने बोला यार मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ, तो दानिक ने दे दी बाइक, बोले लगा ले तू शूट कर अब। ओहो रिएक्शन देखो गाइस, रिएक्शन देख रहे हो कैसे बंदे मुड़ मुड़ के देखते हैं, सोचते हैं कोई सुपर बाइक जा रही है। सिर्फ एक एग्जॉस्ट की कमी है अपनी बाइक में, अगर एग्जॉस्ट ला दूँ ना तो बाइक जो है ना बहुत लाउड हो जाएगी, क्योंकि ऐसे इसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा लाउड है, तो एग्जॉस्ट डालने की वजह से फिर ज़्यादा लाउड। रैप के लिए यार चलान है तो इसकी वजह से मैं रैप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो मैंने रैप अभी तक करवा लिया होता था अपनी बाइक पर, कोई तगड़ा सा रैप देखना था मैंने, पूरी बाइक जो है ना एक बम्ब जैसी बाइक बना देनी थी मैंने। तो अभी देखते हैं कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ करेंगे, चलो निकलते हैं सीधा आगे कावासाकी की तरफ, तो देखते हैं। तो यहाँ पे अभी सिंगल वे आ चुका है, यहाँ पे यार काम चल रहा है किसी रोड का, फ्लाईओवर बन रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस निकलते हैं यार यहाँ से सीधा आगे, यहाँ से यार रोड बिल्कुल सिंगल वे है यार, यहाँ पे बाइक चलाने का मज़ा नहीं आ रहा है, तो मिलता हूँ आगे सीधा मैं। ये रहा अपना कावासाकी का शोरूम, तो चलते हैं अंदर करते हैं यहाँ पे बात की कितना काम हो गया अपनी बाइक का। गाइस ये देख सकते हो ये है दानिक की बाइक यहाँ पे, तो अभी इसके पार्ट जो है आ चुके हैं, तो शायद से आज या कल में इसका काम स्टार्ट हो जाएगा, तो मंडे तक हमें बाइक मिल जाएगी। तो देख सकते हो बाइक को पूरा नंगा करके रख दिया है, तो अभी देखते हैं, बोल रहे हैं मंडे को बाइक मिल जाएगी, पार्ट्स आ चुके हैं बस इंस्टॉल करने हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सारा फिट है। और यहाँ पर है निंजा 650, देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त बाइक है यार। तो अभी दानिक की बाइक का जो है कूलर भी ख़त्म हो चुका है, तो यहीं पे साथ में सर्विस भी कर लेंगे, इसका ऑयल भी चेंज कर लेंगे, कूलर भी चेंज कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे यहाँ पे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे टेल डैडी जो बोलते हैं उसको, टेल डैडी टाइप वो लगा देंगे, तो वो ठीक रहेगा। तो अभी ये वाली जो बाइक है, दानिक बोल रहा है तू ये वाली बाइक ले निंजा 650, तो अभी देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताओ मैं ये वाली बाइक लूँ तो मैं फिर यही बाइक ले लेता हूँ। अभी मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव मारी नहीं थी, इसकी टेस्ट ड्राइव मारी थी दानिक का परसों, तो बोल रहा था दानिक बहुत ज़बरदस्त बाइक है, अल्टीमेट पावर है इस बाइक में। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ क्या सीन रहेगा इसका। तो इसमें एक दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं इसकी यार, तो इसको जो है ये देखो एडजस्टेबल, इसका जो है ना ये देखो लीवर जो है इसके एडजस्टेबल है, ये देखो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसकी, और इसका जो मीटर भी है अच्छा है मीटर। अब आपको पता है बहुत पुरानी बाइक है यार ये, 2015-16 में ये लॉन्च हुई थी, हाँ 650 आई थिंक मुझे यही लग रहा है, तब मुझे पूरा आइडिया है नहीं बट इतना मुझे लगता 14-15 में ये लॉन्च हुई है। तो अभी देखते हैं आगे का क्या सीन रहेगा, तो देखूँ कैसी है ये, तो देखो सोचता हूँ इसके बारे में क्या करूँ यार। तो मैं एक थोड़ा सा पीछे हटाता हूँ इसको, तो आपको एक बार अच्छे से इसकी लुक दिखाता हूँ यार। तो ये देखो यार कितनी ज़बरदस्त लुक है, और हैवी है यार, बहुत काफ़ी हैवी बाइक है यार ये, और मैं कहता हूँ इस पर अगर रैप वैप कराया जाए ना ये तो बहुत ज़बरदस्त बाइक है यार ये। और इसका देखो ना फ्रंट व्हील पे डुअल डिस्क है यार इसको, ये सबसे मतलब मेन जो बोलते हैं प्लस पॉइंट, तो ये इसके लिए है डुअल डिस्क, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे रुकोगे एट अ टाइम बाइक वहाँ पे रुक जाएगी, तो ये चीज़ मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है यार। तो टायर भी काफ़ी बड़ा है, चौड़ा टायर है, तो पिछला टायर हम जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं आगे के क्या सीन रहेगा। तो अभी मेरा भी तो मन है, दानिक भी बोल रहा है नहीं ले ले यार इस बाइक को, बहुत ज़बरदस्त बाइक है। तो अभी देखते हैं आगे का क्या सीन रहेगा, जो भी रहेगा आपको पता चल जाएगा, बस आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे ये वाली बाइक लेनी चाहिए, 300 से सीधा 650 पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो आप लोग मुझे एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एक अपनी राय मुझे बताना, क्योंकि जो चीज़ मैं ले रहा हूँ YouTube फैमिली के लिए ले रहा हूँ, जो मेरी चीज़ है वो आप लोगों की है, तो इसलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे ये वाली बाइक लेनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि 300 से सीधा 650 पे जाना छोटी बात नहीं है, बट आप लोग बताएँगे तो मैं चले जाऊँगा, कोई बात नहीं, तो इसलिए एक बार कमेंट ज़रूर करना। तो चलो मिल कावासाकी शोरूम आया था यहाँ पे, आपको बाइक दिखाई यहाँ पे, तो बाइक का वो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पार्ट्स तो आ गए तो अभी सिर्फ उसको लगाना है पार्ट्स, तो मंडे तक बाइक आ जाएगी। तो अभी व्लॉग में कर रहा हूँ यहीं पे एंड, तो अगर होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए आपके व्लॉग से, चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।